अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम ऐसा है कि आज संडे का दिन है, हम जो है वो पी रहे हैं बेगम के हाथ की जो है वो मटका चाय। ओहो सुभान अल्लाह भाई मजा आ गया, मेरी बेगम के हाथ में तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जायका दिया ही है। और आज हम लोग जाने वाले हैं, संडे का दिन है तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक बुक किया ट्रैम्पोलिन पार्क। वो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा है यहाँ का कनाडा का, मुझे नहीं पता, बाकी हम लोग जाएंगे तो चेक करेंगे। हम लोग एक दफा ओंटारियो में भी गए थे, वो भी एक अच्छा ट्रैम्पोलिन पार्क था ओकविल के अंदर। तो बस अब नाश्ता कर रहे हैं, ये पराठा बनाया है साथ में, अंडा है और टोस्ट है, तो ये बस फिनिश करके बच्चों को तैयार करके और निकलेंगे। कल फिर हमने जल्दी भी आना है क्योंकि डे लाइट सेविंग हो चुकी है, एक घंटा पीछे आ गया है और बच्चों का स्कूल जो है वो मंडे से ऑब्वियसली शुरू हो जाता है, आपको पता है। तो अब उसी की तैयारी है, विंटर आ गए, मौसम खूबसूरत हो रहा है, बाहर चल के दिखाएंगे। हाँ भाई गाइस रेडी हो गए हो तुम लोग जी? जा रहे हो ट्रैम्पोलिन पार्क? एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड है। विंटर में नहीं जा रहे थे? नहीं, लास्ट टाइम हम दिसंबर में तो गए थे, विंटर ही तो था इतना खास। वाह, और वो देखो वहाँ पे अली बैठा हुआ है, अली भी बहुत एक्साइटेड है। अली तो खैर नहीं उछलेगा ट्रैम्पोलिन पार्क में, छोटा बच्चा है ना। चलिए लेट्स गो यंग। चलो चलो भाई खुल जाओ फटाफट, खुल जाओ सिमसिम, लाल से हो जा हरा। सो गाइस ये देखो कैलगरी कैसा ग्रीन हो गया है, सारी बर्फ खत्म हो गई है और बिल्कुल साफ हो गई है रोड्स, और क्योंकि उसके बाद जब से पड़ी थी 12 दिन 13 दिन हो गए हैं और उसके बाद से बर्फ खत्म और बर्फ बिल्कुल तमाम हो गई है, तमाम हो चुकी है। मतलब ऐसी माइंड हो गई है कि कभी जो है वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी इसका कोई नामो निशान भी था बर्फ का। तो भाई अब हो गई है अल्लाह का शुक्र, सूरज धूप बेहतरीन और सीन जो है साफ हो गई रोड। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो जल्दी जाओ गाड़ियों ताकि हम लोग निकले फटाफट, हमारा टाइम होने वाला है कोई 10 मिनट में हमें पहुंचना है और हमारा टाइम 3:30 का है, इस वक्त बजना है 3:20। भाई ये तो हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के इलाके में, यहाँ पे सारे होटल्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं आसपास, और देखो आगे कितनी देर में आता है ये। देखो गाइस गाड़ियों का जाम लगा है, देखो जाम लगा है वो, देखो सामने। हाँ ये एयरपोर्ट की पार्किंग है सारी, ये देखो सामने। एयरपोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं शायद, यहाँ पे हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं क्या? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वैसे ही करीब इंशाल्लाह इंशाल्लाह है कुछ इरादे, तो देखिए क्या रहता है। अल्लाह वाले की दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि कुछ विजिट हो जाए फैमिली का। अभी तो आए थे, रहम कर लेना बच्चे के ऊपर, बेचारा थक गया होगा ट्रैवल करते करते। जो थक गया वो मर गया जिंदगी में, किसी ने कमेंट भी करके बोला था कि यार अपना जो पेस है ना आप लोगों का, जैसे हम लोगों ने बताया था ना कि यार हम लोग मतलब सीरियस नहीं होते, तो काफी चीजें लोग बोलते रहते कि यार जो आप मतलब जो सीरियसनेस ना हो ना, ये एक फन लविंग वो होता है और लोगों को देखने में मजा आता है, एंजॉय करते हैं आप लोग, सो थैंक यू उसके लिए। कोशिश करते हैं हम लोग कि जो है वो अपने व्लॉग्स से ज्यादा लोगों को परेशान ना करें, हर वक्त पैसा 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 टेंशन वो ना करें, और भी जो चीजें होती है नॉर्मल लाइफ में वो दिखाते रहे, एंजॉय करते रहे। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में भी देखो ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ सुकून की जरूरत होती है, पैसे से फाइनेंशियल एंड इस तरह की जो चीजें वो सोचने से हटके भी आपकी जो ना दिमाग में थोड़ा सा कुछ नई नई चीजें फन थिंग्स होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप मजाक ही करते रहो, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप और चीजों के बारे में भी सोचो, पैसे और एसेट्स और जॉब से हटके। ये देखो हम लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं, ये देखो सामने ही नॉर्थ वेस्ट है दूसरा वाला क्वाड्रेंट, और उसकी पहचान ये क्योंकि पहाड़ी पे बना हुआ है, देखो कितने सारे घर बने हुए, तो वो बिल्कुल ना ऊंचाई पे बना हुआ है, और उसके बाद ही आगे जाके बाम फॉर लेक लुइस वगैरह। भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं 566 एरो ड्राइव पे, यहाँ है ट्रैम्पोलिन पार्क। इन तीनों बच्चों ने जो जोड़े पहने हुए हैं, ये और ये ये किसने दिए भाई तुम लोगों के बताओ? चाचा और चाची ने भेजे ऑस्ट्रेलिया से, तो थैंक यू सो मच, बोल दो थैंक यू। भाई टिकट लेने की बारी आ गई है, get a socks, thank you। ये यान के सॉक्स है मीडियम और ये सैफ के सॉक्स है। हाँ जी एक्साइटेड हो? हम नहीं चल रहे हैं आज, हम नहीं चल रहे आज, नहीं क्यों, मेरा टिकट भी ले लेते यार, तुम अभी बुढ़ी हो गई हो। मैं
जो है वो जंप कर सकती हूँ और मैं ना पता है ऊपर तक भी जा सकती हूँ, लेकिन इतनी हाइट पे ऊपर जा सकती हूँ। हाँ तुम भी जाओगी क्या? देख रहे मेरे सॉक्स का? अरे आपकी सॉक्स का है, आपको छोड़ दिया आपने। तो ये सॉक्स जो आप देख रहे हो, ये सॉक्स हैं $3.50 के और ये आपको खरीदने पड़ते, फ्री में नहीं मिलते। और जो इसकी टिकट की कॉस्ट है वो है $23 आयान के बच्चों के लिए, और अंडर 6 है तो $14 है 60 मिनट्स के लिए, एक घंटे के लिए। और इसकी जो है वो सेल भी लगी हुई है आजकल की ब्लैक फ्राइडे की, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑनलाइन ही हो सकता है वो चीज़, आपको जो है वो पहले देखना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने बच्चों को कैलगरी में यहाँ पे लेकर आना चाहते हो फ्लाइंग स्क्वायरल के अंदर, तो उसका जो कोड है डिस्काउंट 1130 है, हमें किसी ने दिया नहीं है, बट मैं ऑनलाइन के ऊपर चीजें देखता रहता हूँ, इसलिए पता चला। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने के लिए अगर आप एडल्ट आ रहे हो पेरेंट, तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है एंटर होने के लिए, तो सिर्फ बच्चों का आप टिकट दे दो, वही बहुत है। ऐसे बहुत सारे ट्रैम्पोलिन पार्क में हम गए, पिछले साल भी गए थे, तो एक एडल्ट का लेना पड़ता है सुपरविजन के लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप एडल्ट एज अ फ्री आ सकते हो अगर आप जंपिंग नहीं कर रहे हो। फटाफट फटाफट पहन लो भाई। माशाल्लाह से यहाँ पे खूब रश है, बहुत बच्चे आए हुए आज संडे का दिन, और ये देखो सामने रहे अयान और सैफ। हेलो गाइस, आर यू एंजॉयिंग? गुड। और ये भी छोटे से एरियाज है, अच्छे अच्छे एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे, बच्चे ऊपर चढ़े एंजॉय। बच्चों क्या हुआ, बच्चों को देख रहे हैं? हाँ। वाह भाई वाह, नेट के अंदर आ गए हैं, चलो फटाफट अंदर जाओ। यहाँ जा रहे हो? वाह भाई वाह, यहाँ से जा रहे हो? आई थिंक ऊपर से जाएंगे, यहाँ से रास्ता नहीं है, वहाँ ऊपर चलते हैं। गुड है, गुड है, गुड है, जाओ दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो 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 गो। गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, एनर्जी कीप एनर्जेटिक। हैं? हाँ मैंने बोला इसको ऊपर वाले पर टच करके आओ जाके ऊपर। देखो भाई बच्चा पार्टी ऊपर जा रही है, और ऊपर वाले को मैंने बोला ये जो ऊपर दिख रहा है आपको व्हाइट, ये व्हाइट वाला और रेड वाला, या फिर दोनों में से किसी एक को टच करके दिखाओ, ये वाला जो है। शाबाश गॉयज, शाबाश बॉयज, शाबाश, बहुत आला, बहुत आला भाई, जाओ 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 जाओ, हिम्मत है मरदा, मदद है खुदा, हिम्मत नहीं हारना कभी, नेवर गिव अप। बड़ी शादी करने जा रहे हैं, बड़ी जज्बाती हो रहा है, देख रहे हैं दोनों भाइयों को, दोनों भाइयों को देख रही है करते हुए, माशाल्लाह ये भी बड़े हो जाएंगे तो ये भी करेंगे। One eternity later. Wow, that's good. Good guys, yay! You did it. Sefi, करो 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 करो। आयान चढ़ दो, ऊपर चढ़ दो। Good है, good है। हाँ, good. बच्चों को टास देना जरूरी होता है। आयान ने finally कर लिया कि नई जगह पे आते हैं तो थोड़ा घबराते हैं, वरना चलो कर ही लेते हैं बच्चे normally. But जरूरत होती है बच्चों को encouragement की parents की तरफ से. Good job. Good है भाई, good है. Keep it up. ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं ये है एक पार्टी हॉल छोटा सा, अगर आपके बच्चे बड़े हैं इस काबिल हैं कि मतलब वो आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर, तो ये जगह अच्छी होती है आके, मतलब अगर आप यहाँ पे आके जो भी इनका मेन्यू वगैरह होता होगा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि बाहर से फूड आइटम लाना ऑब्वियसली अलाउड नहीं होता ऐसी जगहों पर कहीं पर भी हो, तो यहीं पर आपको मेन्यू इनका छोटा मोटा खरीदना होता है। एज कम्पेयर टू अगर आप घरों में कर रहे हैं, अभी डिपेंड करता है बजट कितना है, क्या है क्या नहीं है, बट अगर आपके दोस्त बच्चों के दोस्त हैं और वो एंजॉय करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है। मगर हम जैसे मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा एक इशू होता है, और एक ये हमें चीज़ों से रोकता है हर जगह पार्टीज करने से ऑब्वियसली, तो यहाँ का मुझे पता नहीं है मेन्यू, मगर अगर हलाल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ नहीं कर सकते, बट आप छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह तो इन्जॉय कर सकते हो, और बर्थडे का शायद मेरे ख्याल से केक भी काट सकते होंगे, और बच्चों को इन्जॉयमेंट तो मिल ही जाता है।
कोशिश करो कम ऑन यू कैन डू इट जोर से उछलना है। अरे बच्ची को जान दो। अरे अयान मगर तुम कर सके, यू कैन डू इट, कम ऑन। ओके वन मोर राउंड। अरे भाई बच्चे आ गए हैं, कैसे उछलेंगे? चलो भागो। अयान डू इट, वेट, गुड बॉय, करो, यू कैन डू इट, कम ऑन, वेरी नाइस, गुड वन चैंप। वन इटर्निटी लेटर। अभी हमें आए हुए सिर्फ एक घंटा हुआ है, लेकिन लग रहा है पता नहीं कितना टाइम गुजर गया। बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं और हम दोनों बैठ के बोर हो रहे हैं। अभी यहाँ तक तुम थक गए? कहीं अच्छा हो गया कि फिजिकल एक्सरसाइज हो गई बच्चों की? हाँ, बहुत जरूरी होती है फिजिकल एक्टिविटी होना लड़कों के लिए, स्पेशली तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। समझे यहाँ साहब? अयान समझे, चले घर। यहाँ पे बेचारे कुछ लोगों का मूड भी खराब है। थक गए, चोट लग गई, पैर मुड़ गया, बहुत कुछ हो गया है। अब जो है वो घर जाने का टाइम आ गया है। क्यों ऐसा घर ना, यहाँ पे किंग बन गए हैं। अब अम्मा अप्पा को हुक्म देंगे ये, और अम्मा अप्पा इनको लाके खाना देंगे। ये लो भाई, हैं? मोबाइल नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा बेटा। ये लो भाई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वो खेलना है आपको, वो वाला खेलना है भाई इनको, वो वाला। नेक्स्ट टाइम आएंगे ये देख के जो है वो याद आ गया, वो फैजान और वो लोग वहाँ पे, हम लोग जब गए थे कराची तो कजन हमारे सारा फैजान वगैरह, तो डॉल्फिन मॉल में ये हम लोग खेल रहे थे, याद है? अगर सारा फैजान देख रहे हो तो याद करो भाई, बड़ा जबरदस्त वक्त गुजारा है कराची में हमने। देखो इसको जोर से मारेंगे, अगर चलेगा तो ठीक है। वैसे मैं लल्लू हो गई थी ये मैंने जब खेला था, है ना? सारे ने अच्छा मारा। हाँ सबसे अच्छा। तो भाई हम लोगों ने जो कजन के साथ कराची में टाइम गुजारा ना, वो हम दिल से याद रखते हैं, भूल ही नहीं सकते। बहुत अमेजिंग, अपने लोगों की जो है बहुत याद आती है पाकिस्तान में। तो होम कंट्री होता है भाई, कुछ भी कर ले। हाँ जी, मजा आया? मुझे क्या मजा आएगा, मैं तो बोर हो गई, मुझे तो अभी टिकट दिलाया नहीं, जंपिंग ही नहीं की कोई, मैं क्यों, मुझे क्या मजा आएगा। कहिए कि चलो बच्चों ने तो कर लिया। पीली दाल, ऑरेंज दाल, एग्स। क्या कर रहे हैं, किस चीज का हिसाब किताब कर रहे हैं? यार हिसाब किताब ही कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ सामान, क्योंकि ग्रोसरी लेकर आनी है मैं परसों, तो फिर उसके लिए लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब आपको फिर ये होता है कि आप वहाँ जाते हैं और आपको फिर वो दिमाग में होता है कि यार क्या लेना था, तो चीज याद नहीं आ रही होती। अगर आप पहले से लिख के रख लो ना तो वो आसानी हो जाती है। ग्रोसरी के मामले में मैं जो है ना, नॉर्मली लड़कियां करती हैं ग्रोसरी, पहले सन्ना किया करती थी यहाँ पे, मगर अब मैं देखता हूँ कहाँ सस्ती लगी है, कहाँ कौन सी चीज सस्ती है। तो क्या क्या लिखा अब तक आपने? तो एग्स लिख लिए हैं, और क्या लिखा? चना, काली दाल, पीली दाल, है मेरी चाय उबल गई इतने में, है ये देखो क्या हशर हो गया। आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में ना मेरी चाय उबल गई है। और ये बड़ा अच्छा मजा आया बच्चों को, हम ट्रैम्पोलिन पार्क अभी लेके गए थे तो वापस आ गए घर पे। चलो भाई फटाफट लिख दीजिए। राइस चावल तो है हमारे पास, चावल अभी बहुत रखे हुए हैं हमारे पास, लास्ट टाइम लिए थे। और कंडीशनर लिख दें इसमें, कंडीशनर कंडीशनर।